नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत, मासूम और सुंदर पंछी के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानेंगे जो आप शायद ही जानते हो। इसीलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में बताना किस किस ये मैं भी तो जानूं कि मेरे व्यूअर्स में से कितने ऐसे हैं जो इस सुंदर बाढ़ का लुत्फ उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई तरह की आवाज निकालने और नकल करने में माहिर पहाड़ी या हिल मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। अपने चमकीले काले रंग, नारंगी चोंच और पैरों से आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। पहाड़ी मैना एक सामाजिक परिंदा है जो छोटे छोटे झुंड और जोड़े में रहना पसंद करते हैं, और सामान्य रूप से इनके झुंड में 2 से लेकर 8 सदस्य तक होते हैं। पहाड़ी मैना दूसरे बर्ड्स की तरह जोड़े में रहते हैं, लेकिन ये काफी लंबे समय तक जोड़े बनाकर रखते हैं। नर और मादा पंछी अपने जीवन काल में एक ही साथी पंछी के साथ लंबे समय तक जोड़े बनाए रखते हैं। सामान्य रूप से पहाड़ी मैना हमें जोड़े में ही दिखाई देते हैं। ऐसे कहा जाता है कि पहाड़ी मैना अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही जोड़े बनाते हैं। पंछियों के इस तरह के नेचर को मोनोगेम्स कहा जाता है। पहाड़ी मैना भी सामान्य मैना की तरह बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, जो अक्सर लड़ाई करते रहते हैं। लड़ाई के लिए ये अपने पैरों और चोंच का इस्तेमाल करते हैं। ये परिंदा भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। पहाड़ी मैना भारत के अलावा नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड आदि देशों में पाया जाता है। पहाड़ी मैना ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में और घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। साल के सघन वन और ऊंचे पेड़ों पर ये रहना पसंद करते हैं, और जमीन पर ये बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ये कभी कभी कठफोड़वा के द्वारा पेड़ों के तनों में बनाए गए कोटर को भी अपना आवास के लिए उपयोग करते हुए देखा गया है, लेकिन ये पहाड़ी मैना का प्रजनन काल मार्च और अक्टूबर महीने के बीच होता है। मादा पंछी एक समय में लगभग 3 अंडे तक दे सकते हैं, जो नीले रंग के होते हैं। ये पंछी 14 से 18 दिनों तक अंडों को सहते हैं। बच्चों का जब जन्म होता है तो उनका पालन पोषण नर और मादा दोनों ही पंछी मिलकर करते हैं। इस परिंदे की ये चीज़ मुझे बहुत ही भावुक कर देती है। जानवर होते हुए भी नर और मादा दोनों अपने बच्चे की रखवाली करते हैं। जब ये परिंदे गुस्से में होते हैं तो ये कर्कस आवाज़ पैदा करते हैं, और जब शांत होते हैं तो मधुर आवाज़ निकालते हैं। ये नकलची पक्षी हैं जो तरह तरह की आवाज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। हम सभी ने तोते को नकल करते और आवाज़ निकालते हुए तो खूब देखा है, लेकिन पहाड़ी मैना और भी अच्छे ढंग से आवाज़ निकाल सकती है। पहाड़ी मैना की खास बात ये है कि ये एक इंसान की तरह बोल सकती है और इंसानों से भाषा को सरलता से सीख सकती है। मैना विभिन्न तरह की ध्वनियाँ जैसे सीटी बजाना, चीखना आदि निकाल सकती है। पिंजरे में कैद मैना इंसान की आवाज़ खूब नकल आसानी से कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक आज़ाद परिंदे को मनुष्य कैद करके घर में रखे। मैं तो बस इस परिंदे की खासियत ही बता रहा हूँ आपको। मैना एक सर्वाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से अनाज के दाने, कीड़े मकोड़े और फूलों का रस अधिकतर पीते हैं। ये पक्षी फूलों के परागम में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैना की दुनिया भर में लगभग 31 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और इसका जीवन काल 8 वर्ष के आसपास होता है। आज इस पंछी को संरक्षण की बहुत ही ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसके संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी संख्या अधिक नहीं बढ़ पाई है। वनों का काटना और विकास के नाम पर इनके आशियानों के लिए उचित जगह का ना मिलना
एक प्रमुख कारण है। पहाड़ी मैना के अवैध व्यापार एवं शिकार भी इसकी घटती संख्या का एक प्रमुख कारण है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।